हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2007 मैंने ओपन किया और आज के इस वीडियो में टीडीएस का कैलकुलेशन सिखाऊंगा। कैसे होगा ये आइए देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये नेम ऑफ एम्प्लॉय लिखा हुआ है और इसमें एम्प्लॉय के नेम है और उससे भी पहले एम्प्लॉय आईडी है, जिसका डेटा टाइप मैंने ऑटो नंबर रखा है। अब ये कैसे बनाया है यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाता है। ये एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की और बाकी को फॉरेन की बना दिया है और अब ये कुछ इस तरीके से डेटा भी इसमें फिल कर दिया। तो अभी टीडीएस कैलकुलेट करना, टीडीएस की कुछ क्राइटेरिया है, उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेस पे ये टीडीएस कैलकुलेट होगा। इस टेबल को नाम दिया टेबल वन, ठीक है। अब यहाँ से क्रिएट पे चलेंगे और चलेंगे कहाँ, क्वेरी डिजाइन पर, क्योंकि सारी क्वेरीज तो क्वेरी डिजाइन में ही जाके डिजाइन होती है। तो यहाँ पर आ गए और इस टेबल को ले लेंगे। अब इसमें क्या क्या फील्ड्स चाहिए वो ले सकते हैं, तो हमें सारे ही फील्ड्स यहाँ पे चाहिए होंगे, हम सारे ही फील्ड्स को ले लेंगे। यहां पर जाकर के इसको ड्रैग करा करके यहां लाएंगे। अब यहां टीडीएस की बात है तो टीडीएस के लिए जो क्राइटेरिया दिया गया उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये कैसे कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। यहां साइज भी कुछ मैंने बढ़ा दिया है ताकि आपको देखने में सुविधा हो। यहां पर हम देंगे क्या, आई इफ लगाएंगे। देखिए यहां पर फॉर्मूला जब लगाते हैं तो आई इफ ही लगाते हैं, इफ सिर्फ नहीं लगाते। ये एक्सेल नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। यहाँ पे लिखेंगे सैलरी कुछ इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है, क्योंकि एक फील्ड का नाम तो सैलरी ही है, ठीक है। सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना करेंगे, यहाँ पे करेंगे 35,000 ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों किया तो ऐसे में जो टीडीएस आएगा वो कितना आएगा, टीडीएस आएगा 15%। कितना आया 15%, तो यहाँ लिख दिया 15%। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर आई एफ लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगा दिया। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, सैलरी, जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको भी करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये लिख दिया सैलरी, ठीक है, और सैलरी कितनी हो, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब यहाँ दूसरी कंडीशन क्या देंगे कि 28,000 हो या 28,000 से ज्यादा हो, ऐसे में जो टीडीएस कटेगा वो कितना कटेगा, 12% कटेगा। कितना कटेगा, 12%, ठीक है। और कॉमा देंगे, फिर आई इफ लगाएंगे और ऐसे में यहाँ पर फिर वापस से वही चीज सैलरी दे देंगे इस तरीके से, सैलरी, ठीक है, और सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। फिर यहाँ क्या करेंगे, 28,000 तक तो आ चुके, अब यहाँ 25,000 कर देंगे, 25,000, ठीक है, 25,000 कर दिया और कॉमा देंगे। ऐसे में जो टीडीएस आएगा डिडक्ट होके वो कितना आएगा, वो आएगा 11%, तो यहाँ कर दिया 11%। अब ये समझाने के लिए मैं ऐसा दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर लास्ट में एट लास्ट देखिए, इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, तो एट लास्ट यहाँ पे 10% कर देंगे, ठीक है। तो ये 10% कर दिया और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ठीक है। कितने ब्रैकेट्स क्लोज होंगे, क्योंकि एक इफ, दो इफ, तीन इफ लगाया, फिर यहाँ पे तीन ही इफ लगे हुए हैं, तो तीन ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। अब क्या करना है, यहाँ से रन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए उसके मुताबिक जो है टीडीएस का परसेंटेज आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज उसी के मुताबिक आ रहा है, ठीक है।